Welcome to this video 2 of econometrics course. Now we'll review some basic concepts of estimation, testing and confidence interval. I am not going to probability theory. I hope you are well familiar with that. Our research question is, does class size reduction leads to high achievement scores of students? Research question is कि क्या क्लास साइज कम करने से बच्चों का टेस्ट स्कोर इंप्रूव हो जाता है? What is the effect on test scores of reducing class size by one student per class, by eight students per class, by two students or like? So, we need data. Now, we have two variables. We have grade 3 students' test score, that is based on their combined maths and reading score, district average. We have 420 districts. I shall demonstrate this data in front of you through these videos. Student-teacher ratio, that is number of students per class divided by number of teachers, that is your class size. तो क्या class size कम करने से test score बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता? एक class size, एक student कम करने से test score कितना बढ़ जाता है? इसकी बहुत serious policy implications हैं कि अगर test class size कम करने से test score बढ़ता है तो इसका मतलब है वी नीड मोर रिसोर्सेज फॉर मोर टीचर्स फॉर मोर रूम्स एंड ऑल दैट एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव मोर मनी एंड फॉर दैट वी नीड मोर टैक्सेस. तो अगर नहीं होता तो वील डू ऑल दिस, टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो पीपल आर नॉट बेटर ऑफ, क्योंकि उनको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं जबकि अचीवमेंट टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. नो, first and foremost thing is always to have a table of your data. क्या आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं? मैं ये डेटा प्रोवाइड करूंगा लिंक्स में. अब मैं किसी डॉक्टर मुर्तजा हैदर हैं, उनकी बुक है गेटिंग वर्किंग विद डेटा साइंस. तो वो एक दफा यहां आए हुए थे सेमिनार में, तो कहते हैं लोग हमें तो टेबल्स तक भी बहुत सारे लोगों को नहीं बनाने आते. जब टेबल्स नहीं बनाने आते तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हम बिल्कुल ऐसा ही टेबल क्या आप बना पाएंगे असाइनमेंट में? ये टेबल हमने एज इट इज बनाना है. देखिए डेटा मौजूद है, हर चीज मौजूद है, तो क्या ऐसा ही टेबल हम बना पाएंगे? तो आप देखिएगा उसमें आपको कितनी ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट टाइम अगर कभी आपने पहले नहीं बनाया. तो दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग इन प्रैक्टिस रादर देन मैं ये कह दूं ये टेबल है और ये. एनीवे, जब हमारा ये टेबल बन गया तो अब देखिए हमारे पास एवरेज स्कोर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई और परसेंटाइल्स आ गए, स्टूडेंट टीचर रेशियोज आ गई. अब इसकी बेस पे हमें नहीं पता चल रहा कि क्या टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट टीचर रेशियो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. तो व्हाट टू डू, लेट्स हैव अ स्कैटर प्लॉट. अगर आप एक्सेल में बनाएंगे तो वो जीरो से स्टार्ट कर देगा, तो आपको ये ग्राफ बहुत अच्छा नहीं नजर आएगा. तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 10 और 12 या जो भी. अब यहां पे जब हम इस स्कैटर प्लॉट को देखते हैं तो क्लास साइज स्टूडेंट टीचर रेशियो इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेस्ट स्कोर ऑन वर्टिकल एक्सिस. अगर आप इस वक्त विजुअली कोई लाइन फिट करें, विजुअली कोई लाइन फिट करें तो आपको एक चीज लग रही है, शायद ये नेगेटिव स्लोप है. वो स्लोप फास्ट है, स्टीप है, लेस स्टीप है, तो स्टीप है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट थोड़ी सी एक बात नजर आ रही है कि अगर यहां पर हम एलिप्स ड्रॉ करें तो ये एक नेगेटिवली स्लोपिंग जो है वो कर्व बनती है, जिसका मतलब है क्लास साइज कम हो तो लगता ही ये है टेस्ट स्कोर ज्यादा हैं. ये यहां पे देखिए हायर वैल्यूज हैं. जो जो आपका क्लास साइज बढ़ा
तो ये देखिए ऑन एवरेज टेस्ट स्कोर्स कम हैं और ये वो हैं ड्यू तकरीबन। तो हमने कहा अगर 20 से लेस वैल्यूज हैं तो क्लास साइज स्मॉल है, अगर स्टूडेंट पर क्लास मोर देन 20 हैं पर टीचर तो क्लास साइज लार्ज है। अब हम इसको दो पार्ट्स में सप्लिट कर लेते हैं। तो ये उससे पहले तो हम अब कंपेयर करते हैं टेस्ट स्कोर्स जो 20 से लेस वाले हैं और टेस्ट स्कोर जो 20 से ज्यादा वाले हैं। अब यहां पे तीन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन। आप क्या करेंगे, आप दोनों जो ग्रुप्स हैं जिनका क्लास साइज लेस देन 20 है और जिनका क्लास साइज ग्रेटर देन 20 है, आप उनके एवरेज टेस्ट स्कोर्स एस्टिमेट कर लेंगे। स्टूडेंट टीचर रेशियो तो हमने 20 से लेस और ग्रेटर कह दी, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, अब आप अपना नल हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि जी क्या टेस्ट स्कोर जिनमें क्लास साइज लेस देन 20 एंड क्लास साइज मोर देन 120 क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। उस हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस पे भी मैं इस कोर्स में बात करूंगा। रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट, एक्सेप्ट, इनके मीनिंग्स क्या हैं। और तीसरी चीज है, हम उसके साथ एक है कि आप पॉइंट एस्टिमेट करें, एक है कि आप कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल करें। तो ये तीन चीजें हम देख लेते हैं बिफोर मूविंग टू इकोनोमेट्रिक, सिंपल इकोनोमेट्रिक मॉडल, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। तो आप देखिए, तो हमने क्लास साइज लेस देन 20 और क्लास साइज ग्रेटर देन 20, अब आपको डेटा जब दिया जाएगा तो क्या आप ये खुद से कर सकते हैं। अगेन अगेन मैं बात कह रहा हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये बहुत लोग कहते हैं ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स, नहीं भाई ये अप्लाइड नहीं है, ये बेसिकली एक करने का तरीका है। अगेन बहुत सारे लोगों से नहीं होता, अगर हम ये कर नहीं पाते तो ये जितना कुछ हम सीखते हैं फायदा कोई नहीं है। एवरेज स्कोर इज 657, जहां क्लास साइज लार्ज थे तो वहां एवरेज स्कोर 650, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.4 एंड तो यहां पे जो गैप आ रहा है वो 7.4 का टेस्ट स्कोर में आ रहा है बिटवीन स्मॉल क्लास साइज एंड लार्ज क्लास साइज। लेकिन इसको इस तरह एब्सोल्यूट में नहीं दे सकते, हमें उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वो सारा देखना है। तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स इज जीरो, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। क्या ऐसे ही है, और ये एस्टिमेट हो गए 657 और 650। देन आप इसकी वो टेस्टिंग वगैरह करते रहेंगे, दिस यू ऑल नो। तो बेसिकली आप देखिए तो ये आपको पूल स्टैंडर्ड डेविएशन और टी स्टैटिस्टिक्स और वो सारा आपने अप्लाई किया। तो यहां पे टी स्टैटिस्टिक्स आ गया 4.05। 4.05 मींस दैट क्रिटिकल वैल्यू, इट कैन बी लेस, इट कैन बी ग्रेटर, सो अल्टरनेटिव इज टू टेल, सो यू कैन हैव टी वैल्यू लेस देन, सैंपल साइज इज सफिशियंटली लार्ज, सो टी वैल्यू इज रफली इक्वल टू जी वैल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.96 इज योर क्रिटिकल वैल्यू, 4.05 फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू ग्रुप्स हैव इक्वल टेस्ट स्कोर। सो वी हैव एस्टेब्लिश्ड थ्रू दिस डेटा दैट इन जनरल स्मॉल क्लास साइज हैव मोर टेस्ट स्कोर देन लार्ज क्लास साइज, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इज difference 7.4 plus 1.96 into standard, so we will say that 3.8 and 11, so your test score difference will be between 3.8 and 11. 0 is not covered here, delta null hypothesis was 0. If that is covered, so it means null cannot be rejected. So you have two ways, one is t value was greater than 1.96, you have rejected, and second is zero is not covered here, so we reject the null hypothesis. Now, you have a couple of assumptions which I shall discuss in detail in next couple of lectures. Again, you see, this does not answer your question, what will be the impact of reducing class size by one on test score. This just tells that on average small class size has more test score than large class size. But what's the magnitude of reducing a class size by one unit, two unit on test score, that's not available here.
That's not, we can't get it from this analysis. So, no. Let's go back to the original policy question. What is the effect on test score of reducing student-teacher ratio by one student per class? We have not been able to answer this question using previous analysis. How we'll do this? For this, we need simple linear regression analysis. Before we go to that, just keep it in mind that this is just a very preliminary analysis, and this graph tells negative relationship, but there may be many other factors which we'll discuss in multiple linear regression models. So please, main aapko data ka link dunga. Just repeat, make this scatter plot, make do that testing, and at the same time make that table. So my next video will be to do these things in practice before moving to what is my linear regression model. So we'll first of all have videos on the concepts, then I will do, then I'll ask you to do. Until and unless you do yourself, you will not understand. There is a famous saying that I listen and I forget, I see and I understand, I remember it for a while, I do and I understand. So we have to do it by doing, learning by doing. Take care. Thank you for watching.